का सारे देश विदेश के लोग देख रहे हैं, रोज देखते हैं। कल इस महालक्ष्मी पर्व के कारण थोड़ा सा आपके साथ संवाद नहीं कर पाया। रोज 9 से 9:20 तक गीता के ऊपर संवाद करने का प्रयत्न करता हूं। हम लोगों ने कल 27वें श्लोक के ऊपर चिंतन किया, आज 28। जब भगवान गीता में 3रे अध्याय में कहते हैं, तत्व वित्तो महाभाव गुण कर्म विभाग गुना गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात मनुष्य के लिए कहा है, जिसके कारण हमको जन्म प्राप्त हुआ वो हम लोग देखते नहीं है, जो आपके द्वारा प्राप्त हुआ उसको हम देखते हैं। कर्म बंधन यही शुरुआत होता है। अब हमको जन्म किसने दिया, शरीर किसने दिया, प्राण किसने दिया, देखने की क्षमता, बोलने चलने खाने पीने रहने, ये क्षमता, मकान दुकान घरदार परिवार पद पैसा प्रतिष्ठा, इसने आपको नहीं दिया है। देखना है तो आपका बाप बेटा भाई बहन माता पिता पति पत्नी, इन्होंने किसी ने नहीं दिया। हो सकता है कि संसार में स्वार्थ के कारण आपको दिखाना बंद कर दे, सुनाना बंद कर दे, लेकिन देखना चालू कोई नहीं करा सकता है। यही हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है कि हम लोग अपने मूल तत्वों को, जैसे एक पेड़ अपने जड़ को भूल जाए और अपने डालों को पत्तों पर कहे, अरे मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना बड़ा, मैं हूं, उस पेड़ अगर भूल जाए कि मेरी जड़ जितनी गहरी इस जमीन में है उस उतना ही मैं ऊंचा हूं। दो कर्म समान रूप से चलता है। मनुष्य एक सांसारिक जगत में और साधनात्मक जगत में दो प्रकार के, लेकिन हम लोग सांसारिक जगत का विचार हमारे मन में बहुत आता है। संसार के विचार, संसार की प्राप्ति, संसार का वियोग, संसार का मान, संसार का अपमान, संसार का पद, संसार की प्रतिष्ठा, ये सारा आपके मन के ऊपर उसका आभा प्रभाव सुख दुख अपने आप प्राप्त होती है। लेकिन जिस संसार को देखने करने बोलने चलने की शक्ति उस परमात्मा ने प्रदान कर दी, उसको हम कभी नहीं देखते। दुख इस बात का है ना, हम लोग मृत्यु का चिंतन करते हैं। बस जो दिन सुबह उगने से लेकर रात तक हमारा चिंतन घरदार परिवार पद पैसा प्रतिष्ठा उसमें ही लगा रहता है। भगवान क्या कहते कि तत्व जिसके द्वारा हम लोग उत्पन्न हो जाते हैं वो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष। अब ब्रह्मनिष्ठ किसको कह सकते हैं कि तुकाराम महाराज, एकनाथ, नामदेव, सूर, रवि, तुलसी, कबीर, मीरा, ये बड़े बड़े महापुरुष जब अपने नाना प्रकार के पद पैसा प्रतिष्ठा भी जिसको प्रभावित नहीं कर सकती है, ऐसी प्राप्ति जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है और संसारनिष्ठ पुरुष जो है वो सांसारिक संसाधनों में ही प्राप्ति वियोग में अपने आप को संतुष्टि और असंतुष्टि को मानता है। लेकिन भगवान ने कहा कि अर्जुन, उसको अब जो व्यक्ति संसार को देखता है वो साधना को नहीं देख सकता है, जिसने साधना देखी वो संसार को नहीं देख सकता। दो विषय अगर आपको मैं बताना चाहूं तो ये अपने आपस में परस्पर, जिस तरह से दिन रात को नहीं मिल सकता है और रात दिन को नहीं मिल सकती है, दिन ने कहा कि मुझे रात को मिला दे तो संभव नहीं है, रात कहे कि मुझे दिन को मिला दे। अगर उजाला सूर्य का उदय हो जाए तो अंधेरा भाग जाता है और अंधेरा हो जाए तो उजाला भाग जाता है। तो इसी तरह से मनुष्य के जीवन में हम लोग जब अपने सांसारिक कर्म करते हुए, भगवान ने कहा कि हम लोग जब आत्मनिष्ठ हो जाए, संसाधन निष्ठ तो हम लोग हैं, थे, रहेंगे, तो भगवान कहते कि अर्जुन इन सभी प्रकार से
केवल अपने तटस्थ रुष्टि में रहते हुए अपने बंधनों को ठीक ठाक से समझने पर अब आप लोग सूर्य की किरणें उठती है, अगर उसमें ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार से सूर्य की तपन धरती पे आती है, लेकिन उसका प्रभाव सूर्य के ऊपर कुछ नहीं। पानी को उठा लेता है, पानी को गिरा देता है, पेड़ उगते हैं, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, यहाँ का तपन समाप्त हो जाता है, शांति प्राप्त होती है कि रहने वाले जीवात्मा को कई प्रकार के प्राणियों की प्यास बुझाने का काम सूर्य के तपन के कारण करती है, लेकिन यहाँ पृथ्वी की तपन का आभा प्रभाव सूर्य के ऊपर किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकती है, उसके ना उसके तपन को ना उसकी शीतलता को। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य जब ब्रह्मनिष्ठ अगर हो जाए तो संसार के किसी भी कर्म का उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह से पृथ्वी का प्रभाव सूर्य पे नहीं पड़ता है, इसी तरह से मनुष्य के जीवन में ब्रह्मनिष्ठ साधन साधना निष्ठ उस परात्पर परमात्मा के चिंतन को प्राप्त करते हुए आत्म तत्व की अनुभूति करने वाले जीवात्मा को कभी भी इस संसार के कर्मों को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए श्रोताओं, भगवान कहते हैं कि अर्जुन इसीलिए अपने जीवन में बुद्धि जो ब्रह्मनिष्ठ बुद्धि कर्मनिष्ठ बुद्धि अपने मन को मेरे कर्म में प्रतिष्ठित कर। और हमारे जीवन में यही कर्म, अब कभी कभी मैं आपको बताऊं, एक न्याय देवता है, भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली अभी गुरु भाई ने, तो न्याय देवता कोई हार भी जाए कोई जीत भी जाए उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका काम है निर्णय देना। एक शिक्षक पढ़ाता है, कोई पास हो जाए फेल हो जाए उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका काम है कि 300 जितना भी 200-250 दिन 8 घंटे एक शिक्षक 50 बच्चों को पढ़ाता है, एक बच्चा फर्स्ट क्लास आता है, उसी क्लास में सेकंड क्लास आता है, एक बच्चा फेल हो जाता है, गुरु जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। पास भी हो जाए फेल भी हो जाए, अगर इसको 80-90-100% भी लाए तो गुरु जी को कोई प्रभाव उसके पास होने के और फेल होने का उसके ऊपर कोई हर्ष उल्लास नहीं होता, उसका काम था दायित्व। इसी तरह से जब ब्रह्मनिष्ठ ये संसार में व्यक्ति हो जाए तो संसार के कोई भी कर्म उसको प्रभावित नहीं करते। इसलिए श्रोताओं, भगवान ने कहा कि अर्जुन मुझे अगर प्राप्त करना है तो संसार के हर एक क्रियाओं में कोई माने न माने, कोई आए न आए, कोई निंदा करे, कोई अब अपने हिसाब से व्यक्ति अब अपने कर्म करता है, आप अपना राग द्वेष इसके ऊपर चर्चा करता है, लेकिन उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर न होना ये साधना ब्रह्मनिष्ठता का एक लक्षण बताए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये 29वें श्लोक में भगवान ने लिखा है, प्रकृते गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मेषु तान कृतस्व विदो मंदास कृतस्न विन विचार। स्वभाव सिद्ध है जो अपने धर्म के कारण जो अवसर बनता है उन सारे के सारे कर्मों को अब रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, और रास्ते में चलते हुए कर्मों को अब धूप आ गई तो धूप को देखकर आप अगर रोओगे तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। भाई धूप से बचने के लिए आपके पास छाता हो सकता है, पेड़ के नीचे बैठ सकते हो, आपके संसार में नाना प्रकार का संघर्ष आने के बाद उसको रोने के बजाय उसका पार कैसे पाने का रास्ता, या बारिश आ गई बारिश अब कैसे चलेंगे क्या होगा, पैर भीग जाएंगे गंदगी लग जाएगी, इसको सोचकर अगर आप चलना बंद करोगे तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अगर पैरों में गंदगी भी लगी तो भाई आगे घर जाकर दो लोटे जल डालेंगे उससे शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जीवन में कोई भी कर्म आप जब करते हो तो कर्म में पूर्ण रूप में समर्पण और उसमें संघर्ष में सफलता कैसे प्राप्त करना,
ये बुद्धि विवेक आपके अंतर मन में होना चाहिए, ये भगवान कहते हैं। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में जितना भी स्वाभाविक सिद्ध माना जाए, जिसमें भी किसी प्रकार से गुणों का असर, अब मैंने किसी का यहां अपमान कर दिया तो बड़ा दुखी हो जाता है, किसी का सम्मान कर दिया, प्रशंसा कर दी तो बड़ा प्रसन्न होता है कि महाराज जी ने हमारी प्रशंसा कर दी। कई लोग भाई ऐसे होते हैं कि हम लोग महाराज जी के पास जाते हैं, महाराज जी बार बार जाते हैं, महाराज जी हमारे से बात नहीं करते। आपका दायित्व ये है कि सूर्य, अब सूर्य अगर कह दे रोज मैं सुबह उगूंगा तब कि 800 करोड़ लोग मुझे जल चढ़ा दे, नहीं तो नहीं उगूंगा। ये अगर सूर्य सोचे तो, सूर्य ने अगर अपनी संकल्प किया कि नहीं मैं, मेरे कारण ये सब जीवित है, मैं इनको प्राण देता हूं, मैं इनको वायु देता हूं, मैं शुद्ध करता हूं और मैं उगना बंद कर दूं तो आपका क्या होगा। लेकिन नहीं, आप सूर्य को मानो या न मानो, उसको जल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, सोना चढ़ा दो, हीरे चढ़ा दो, पत्थर मार दो, थूक दो, गंदगी फेंक दो, लेकिन वो सूर्य उगते ही अपनी वही शीतलता प्रदान करता है। भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन समस्या आ जाए, वह समस्याओं को समाधानात्मक दृष्टि से अपने कर्म की निरंतरता बनी रखना, ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है और यही आपके जीवन का पूजन है। अब प्रकृति हम लोग देखते हैं, वायु अगर कह दे यार हम लोग इतना सालों से बैठे हुए, इतने आयुष आदमी को मैंने 80 साल तक, 90 साल तक, 50 साल तक हवा दे दी, अब नहीं देना चाहता हूं, तो क्या होगा, क्या होगा? अन्न ने अगर कहा कि नहीं भाई मैं इसको 80-90 साल से इन्हें खा के परेशान कर दिया, अब नहीं जाऊंगा। इसी तरह से संसार में, प्रकृति में अपना कर्म पूर्ण रूपे में समर्पित करने का भाव, मुझे मेरा दायित्व, जिस तरह से सूर्य अपना दायित्व निभाता है, वायु अपना दायित्व निभाता है, अग्नि अपना दायित्व निभाता है, पृथ्वी अगर कह दे कि मेरे ऊपर कोई भी पापी आदमी पैर नहीं रखे तो बताओ यहां बैठे हुए कितने लोग पुण्यात्मा है, कितने लोग पुण्यात्मा है। पृथ्वी खाली एक शर्त रख दे, कोई भी पापी मेरे ऊपर पैर नहीं रखे, लेकिन वो किसी से शिकायत नहीं करती। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में इतना ही ध्यान रखे कि मुझे मेरा जो दायित्व दिया हुआ है, वह दायित्व अपना पूर्ण रूपे में करते हुए मुझे अपना कर्म ही धर्म, धर्म ही पूजा, और यही पूजा मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त कराने का एक सहज मार्ग बताया। श्रोताओं, अपने जीवन में इतना ध्यान रखे, भगवान अर्जुन से यही कहता है कि सभी में रहते हुए भी, अब महाराज कई प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बर्तन गंदा हो जाता है, गंदा होने के बाद पानी में डालने के बाद थोड़ा सा मसल दे, वो गंदगी साफ हो जाती है। इसी तरह से जो अपने कर्मों को पूजा मानकर आगे बढ़कर निरंतर निष्काम भाव से कर्म करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार से वो कर्म रूपी धर्म के साथ रहते हुए उसके सारे के सारे दोष समाप्त कर देता है। बर्तन गंदा हो जाए लेकिन आप उसको सफाई कर दे, तो इसी तरह से मनुष्य हो सकता है कि अज्ञानतावश कुछ कर्मों में कुछ पापात्मक कर्म हुए, लेकिन अपने कर्म को धर्म मानकर और पूर्ण रूपे में समर्पित होकर काम करेगा निष्कामता के साथ, उसमें राग द्वेष नहीं करेगा, किसी की निंदा टीका टिप्पणी नहीं करेगा, अपना जो मार्ग बताया उस मार्गो के ऊपर सहजता के साथ चलता है, ये उसके लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया। नहीं तो दाया कौन करता है, बाया कौन करता है। यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि मैंने आज 50 साल पहले उसके लिए यह किया था, उसने देखो क्या किया। इसलिए श्रोताओं, भगवान ने यह कहा कि मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास्त ध्यात्म चेतसा निराशय निर्मयो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। अपने जीवन में जितना भी, हे अर्जुन, कर्म की बाध्यता, अपने कायिक
वाचिक और मानसिक ये कर्म की बाध्यता रखते हुए किया हुआ कर्म ये अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म ये तीसरे अध्याय में बताया। आज थोड़ा जल्दी मैं समापन करूंगा, कल वापस आपके साथ में आते हुए समय मेरे साथ पास है नहीं, फिर भी आपके साथ में संवाद करने का सौभाग्य आज मेरे जन्म स्थान पे मैं उपस्थित हूँ। आप लोगों से जितना पहुंचाने का प्रयत्न किया उतना करने का प्रयत्न किया, आप सुने देखें और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। देखिए आपके जैसा कोई जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता है। इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।